फ्रेंड्स अगर आप लोग का फेसबुक का अनलॉक हो चुका है और आप लोग उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं और फ्रेंड्स आप लोग आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है और फ्रेंड्स जब आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं फिर भी फ्रेंड्स आप लोग का फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप लोग फ्रेंड्स अपने ऑप्शन को चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को अपना जीमेल ओपन कर लेना है और फ्रेंड्स आप लोग को उस जीमेल से लॉगिन हो जाना है जिस जीमेल से जो है आप लोग का फेसबुक अकाउंट था। फ्रेंड्स अगर वो आप लोग का जीमेल किसी प्रकार से मतलब कि खो गया है या फिर कुछ भी हो गया डिलीट वगैरह हो गया तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे दूसरा भी जीमेल अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोग का फेसबुक अकाउंट मतलब कि चेंज होने का ऑप्शन यहाँ पे चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का वो जीमेल है तो फ्रेंड्स आप लोग उसी जीमेल से जो है आप लोग को यहाँ पे मेल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जो है वो यहाँ पे सिंपली जो है उस जीमेल से यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कंपोज, तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे टू में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे support@facebook.com और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन लॉकड, ठीक है। आप लोग को फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद यहाँ पे कंपोज ईमेल में फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लिखना होगा, फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग फ्रेंड्स सिंपली जो है कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोग को नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन से मतलब कि इस प्रकार से लिखा हुआ कॉपी कैसे करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को इस पर मैं वीडियो एक बनाया हूँ, आप लोग फ्रेंड्स वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे नेम डाल देना है और यहाँ पे जीमेल डाल देना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता होगा तो फ्रेंड्स आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को जो है वो यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फेसबुक अकाउंट का अपना स्क्रीन शॉट लेना है जो भी आप लोग का वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ से जो है आप लोग को अटैच कर देना है, अटैच करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है वो सेंड कर देना है, आप लोग को फ्रेंड्स सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे जीमेल जो है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अपना ट्विटर जो है वो ओपन कर लेना है, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से क्रोम ब्राउजर से भी ट्विटर ओपन कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप लोग अगर मतलब कि ऐप को यूज़ करते होंगे तो फ्रेंड्स आप लोग वहाँ से जो है अपने जो है मतलब कि ट्विटर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आप लोग फ्रेंड्स twitter.com लिख कर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का ट्विटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को सिंपली जो है लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने का फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग को यहाँ पे @facebook लिखना है और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आप लोग को यहाँ पे मतलब कि बोले थे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा वो मिल जाएगा, फ्रेंड्स आप लोग को जो सिंपली जो है वो यहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोग को दो मिलेगा, ठीक है, एक जीमेल के लिए मिलेगा और फ्रेंड्स एक जो है आप लोग को ट्विटर के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग जीमेल वाला यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग इसको जो है वो यहाँ पे ट्वीट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो लेटर हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे ट्विटर के लिए कुछ और मिलेगा, ठीक है, जीमेल के लिए कुछ और मिलेगा और ट्विटर के लिए कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सिंपली जो है आप लोग का नेम वगैरह यहाँ पे जीमेल वगैरह फ़ोन वगैरह सब कुछ फिल कर देना है और यहाँ पे जो है आप लोग को एक स्क्रीन शॉट ले लेना है आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप लोग को सिंपली जो है वो ट्वीट कर देना है और फ्रेंड्स और ट्वीट आप लोग को लगातार जो है मतलब कि रोज़ एक एक ट्वीट करना है लगभग 7 से 10 दिन तक फ्रेंड्स, जब तक कि आप लोग का रिप्लाई नहीं आ जाता। और फ्रेंड्स अगर आप लोग का रिप्लाई भी आ जाता है और जीमेल अकाउंट भी अगर यहाँ पे जो है आप लोग का ऑप्शन जो है सॉरी चेंज हो जाता है तो फ्रेंड्स आप लोग जो है सिंपली जो है अपना जो है अकाउंट अनलॉक कर लीजिएगा। तो आइयो फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे एंड आइयो फ्रेंड्स कि आप लोग ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।